हजूर साहब, सवाल ये है कि जिस तरह इस कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की तरह, हाँ तो अगर कोई वाकफीन नो फोर्स की स्टडी करना चाहते हैं, फोर्सेस की जैसे पुलिस या आर्मी, तो क्या हिदायतें हैं, हुक्म क्या है उसके लिए? नहीं सवाल यह है कि वाकफ़ ज़िंदगी के लिए यह हिदायत अच्छा है अगर तुम लोग वाकफ़ ज़िंदगी ने सही ताल्लुक़ रखा हुआ वाकफ़ ने मरकज़ से, कि मरकज़ को हमें जमात को किन किन प्रोफेशंस की ज़रूरत है, ठीक है तुम ये बताओ, यही हमारी प्रेफरेंस है। 6-7 सब्जेक्ट्स मैंने बताए हुए हैं, उसके अलावा अगर करना चाहते हो अपने इंटरेस्ट की बात तो इजाज़त लेके ख़त लिखो, मुझे ख़त लिखो और इजाज़त लेके कि मेरा ये इंटरेस्ट है मैं जा सकता हूँ। कई बातों को मैंने आर्म फोर्सेज में या पुलिस में जाने की इजाज़त दी है वाकफ़ीनानों को, और फिर उनका ये काम है कि जहाँ जहाँ अपने फील्ड में जा रहे हैं, एक तो वो ये है कि वहाँ ये नहीं है कि दुनिया में गुम हो जाएँ, वहाँ जाके भी दीन सीखें, उनकी नमाज़ें भी बाकायदा होनी चाहिए, उनका कुरान भी बाकायदा होना चाहिए, उनको दीनी नॉलेज में भी इजाफा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इजाज़त लेके हर इंडिविजुअल केस के ऊपर होता है, जनरल कोई असूल नहीं बनाया जा सकता, ठीक। जी।